दोस्तों एनीथिंग एवरीथिंग विद आरएम के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों अपने बोट डिशवॉशर की सीरीज में एक अनोखा वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम बोट डिशवॉशर के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। नॉर्मली जब हम इसमें बर्तन धोते हैं तो हमेशा डिशवॉशर डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं या उसके टैबलेट्स का यूज़ करते हैं या फिनिश ऑल इन वन टैबलेट्स जो आती हैं उनका यूज़ करते हैं पावर बॉल्स का। लेकिन अगर आपके पास इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है घर पे, किसी दिन ये सारा मटेरियल ख़त्म हो गया तो आप क्या करेंगे, उसके इसमें कैसे अपने बर्तन धोएंगे? तो इसलिए आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, वो हम करेंगे विम जेल के साथ। नॉर्मल बर्तनों को हाथ से धोने के लिए विम जेल यूज़ होता है, आज उसका यूज़ हम बोस डिशवॉशर में करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कैसे उसका यूज़ करना है और साथ ही साथ कैसे आते हैं रिजल्ट, क्या वो काम करेगा या मैं बोस डिशवॉशर को ख़राब कर देगा, बर्तन नहीं धुलेंगे, क्या होगा और क्या नहीं होगा, सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले डिशवॉशर को खोल लेते हैं और इसमें लगा लेते हैं बर्तन, फिर मैं आपको आगे का बताता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे बर्तन लग के तैयार हैं, ऊपर में भी और नीचे में भी सारे बर्तन लग के तैयार हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम बताते हैं कि कैसे विम जेल को यूज़ करेंगे आज हम इन बर्तनों को धोने के लिए अपने डिशवॉशर में। दोस्तों ऐसी दो छोटी कटोरी ले लें और इनमें बहुत थोड़ा सा, दो छोटी कटोरी लें, जैसे एक मैंने ये ली है एक ये ली है, इनमें बहुत थोड़ा सा विम जेल हम निकाल लेंगे। अब ये देखिए एक बार क्वांटिटी नोट कर लीजिए, थोड़ा सा लगभग लगभग एक चम्मच से या आधा चम्मच के लगभग है, ये आधा चम्मच ही होगा, ये दोनों में मैंने लगभग लगभग आधा चम्मच डाला हुआ है। अब इन दोनों कटोरी में थोड़ा थोड़ा पानी भर दें जिससे ये जो विम जेल डाला ये अच्छे से मिक्स हो जाए, इसको ऐसे मत छोड़ें लिक्विड फॉर्म में, इसको थोड़ा पानी से घोल दें। अब तो हमने विम जेल को आप देखिए घोल लिया, मैं बताता हूँ इसको प्लेस कैसे। दोस्तों आप देख सकते हैं बड़ी कटोरी को मैंने यहाँ बर्तनों के बीच में प्लेस किया हुआ है नीचे वाली रैक में, इसको बंद कर देंगे। अब देखते हैं ऊपर वाली रैक में क्या किया है मैंने, ऊपर वाली रैक में भी मैं ये देखिए यहाँ बर्तनों के बीच में मैंने कटोरी को प्लेस किया हुआ है। इसी तरह से इससे प्लेस करेंगे जब उसका डिशवॉशर का वाटर प्रेशर आए तो इस सर्फ को सब अपने में ले लें विम जेल को। अब इसको भी बंद कर देते हैं। अब डिशवॉशर को क्लोज करते हैं। तो आपने नोट किया होगा मैंने ना तो सॉल्ट डाला है और ना ही मैंने रेनाइज 8 फिल किया और ना ही मैंने इसमें डिटर्जेंट डाला है, सिर्फ और सिर्फ मैंने विम जेल को दो कटोरी में घोला है और वो बर्तनों के बीच में रखा है। हम इसको ऑन करते हैं और इको और स्टार्ट को दबा के सेटिंग्स में जाएंगे। तो H:04 पे हमारी सेटिंग सेट है, हमारा स्टार्ट होने लगा है, क्लोज कर देता हूँ, रीसेट कर देता हूँ। ओके ओके इको दबाए देन स्टार्ट। H:04 जो है हमारी सॉल्ट की सेटिंग है, इसको हम और मिनिमम कर देते हैं कि अगर थोड़ा बहुत सॉल्ट हो भी यूज़ भी हो तो बहुत ही मिनिमम यूज़ हो, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो विम के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। इसलिए सेकेंडली अगर रेनाइजेट की सेटिंग है तो वैसे तो जीरो है, इसको बहुत ही मिनिमम हम 1 पे करके छोड़ देते हैं, इसमें रेनाइजेट अगर थोड़ा बहुत भी है तो यूज़ हो जाए और बहुत ही मिनिमम सेटिंग रख रहे हैं जिससे विम जेल कैसा काम करता है हमें एग्जैक्टली पता चल सके। चलिए स्टार्ट बटन को दबाते हैं इन सेटिंग्स को सेव करने के लिए। नाउ जस्ट प्रेस ऑन द इको, इको मोड में हम डिशवॉशर को रन करेंगे जो कि पूरा 1 घंटा 25 मिनट्स 1 आवर 25 मिनट्स का टाइम लेगा और उसके बाद हम देखेंगे कैसे रिजल्ट आते हैं। एक बात का ध्यान देंगे क्योंकि हम ये विम जेल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम इको मोड चलने के बाद एक बार चेक करेंगे कि बर्तनों में क्या महक वहक आ रही है, क्योंकि विम यूजली महक छोड़ देता है
और मोस्टली डिश वॉशर कम पानी यूज़ करते हैं, लेकिन जब भी आप जेल वगैरह से ऐसे बर्तन धोते हैं पानी ज़्यादा यूज़ होता है। मे बी हम लास्ट में एक बार प्री रिनाइज चला देंगे बर्तन धोने के बाद, तो वो कॉल हम लास्ट में लेंगे। तो आप ये पूरा वीडियो ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें, जिससे हम रिजल्ट्स देख सकें कैसे आते हैं और क्या हमें प्री रिनाइज लास्ट में चलाना पड़ेगा या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिश वॉशर। तो दोस्तों 1 घंटे 25 मिनट्स बाद हम फिर कनेक्ट करते हैं। सो दोस्तों हमारा प्रोग्राम कम्प्लीटली रन हो चुका है, आप देख सकते हैं कि डिश वॉशर स्टॉप भी हो चुका है। तो चलिए अब ज़रा चेक कर लेते हैं कि बर्तन कैसे धुले हैं और फिर हम लोग कॉल लेंगे कि क्या एक बार प्री रिनाइज मोड में और चला लें, जिससे महक वगैरह निकल जाए विम की अगर है, या बर्तनों में किसी तरह की वाइट फिल्म वगैरह आई है या किसी तरह का रेजिड्यू है साबुन का तो वो निकल जाए। तो दोस्तों मैंने डिश वॉशर को खोल लिया है। सबसे पहले एक लुक ऊपर की ट्रे के बर्तनों में डालते हैं। तो इस कटोरी को देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा फोम टाइप का फील हो रहा है, और मींस वैसे भी विम जो है बहुत स्टिकी होता है, तो उस वजह से मोस्टली ऐसा लग रहा होगा। और डिश वॉशर डिटर्जेंट से डिफरेंट होता है ये। वैसे देखेंगे तो काफ़ी साफ़ हो गई है कटोरी, कोई कमी नहीं लग रही है। हाँ थोड़ी सी महक भी आ रही है इसमें, ये बात भी है कि थोड़ी सी महक भी आ रही है, तो ये एक रीज़न है। अब चलिए जा किसी और बड़े बर्तन को उठा कर देखते हैं। इसको भी देखिए, बड़ा कटोरा है, ये भी काफ़ी साफ़ हो गया। आपको भी दिख रहा होगा कोई वाइट फिल्म वगैरह कुछ नहीं है इसमें, लेकिन वही महक सी आ रही है थोड़ी। एक आध चम्मच निकाल के दिखाता हूँ आपको। वाह देखिए चम्मच भी कितना बढ़िया चमक सा रहा है, साफ सा दिख रहा है, लेकिन थोड़ी सी उसमें लाइनिंग सी आई हुई है, जिसके लिए मुझे लगता है प्रेरनाइज करना चाहिए। ग्लास देखते हैं, ग्लास की भी स्थिति वही है, वैसे तो काफ़ी साफ दिख रहा है लेकिन थोड़ी सी महक वगैरह सी आ रही है इसमें। अब एक नीचे का कोई बर्तन उठा के देखते हैं। जैसे मैं एक थाली उठा लेता हूँ वो आपको दिखाता हूँ, तो इसमें भी वही बात है, तो काफ़ी साफ़ हो गई लेकिन थोड़ी सी कमी दिख रही है, इसलिए एक बार प्री वॉश कर ही लेते हैं। इसको प्री रिलाइज मोड में एक बार रन कर रहा हूँ। अब फिर हम 15 मिनट बाद देखते हैं। तो उसको प्री रिनाइज हो गया। अब एक बार डिश वॉशर खोल के देखते हैं कि बर्तनों की क्या हालात है। तो डिश वॉशर को खोल लिया है एक बार, कुछ बर्तनों को उठा के देखते हैं। जैसे कटोरी है तो काफ़ी कुछ तो साफ हो गई है। आप जो इसमें दाग देख रहे हो तो पुराना लगा हुआ है और वैसे भी नहीं छूटता है जल्दी। हाँ लेकिन अब प्री रिनाइज किया है एक्स्ट्रा पानी से, तो थोड़ा बहुत वाटर ड्रॉप्स तो रह ही जाएंगी क्योंकि इसमें ड्राइनेस नहीं करता है प्रेटेनाइज में, लेकिन काफ़ी कुछ साफ़ है। मैं इसको सूंघ के देखता हूँ, कोई स्मेल भी नहीं आएगी अब इसमें और कोई साबुन के रेजिड्यू भी नहीं है। तो ये हो गई कटोरी की बात। एक और ये बर्तन देखते हैं, ये भी पहले भी मैंने आपको दिखाया काफ़ी साफ़ हो गया था, लेकिन थोड़ा बहुत वाइटनेस लग रही थी, अब वो भी काफ़ी कुछ जा चुकी है। स्पून जो हमने देखा था सेम स्पून मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूँ। आप देखिए, अब देखिए कितना चमक रहा है, पहले जो इसमें वाइटनेस थी वो बिल्कुल निकल गई है। इसी तरीके से एक ग्लास वगैरह भी लेके देख लेते हैं। ये देखिए काफ़ी साफ हो गया है, ये भी कोई वाइटनेस नहीं है, कोई स्मेल। ओनली प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि मैंने अब इसको प्रेनाइज किया था तो वाटर ड्रॉप्स हैं, तो थोड़ा टाइम या तो डिश वॉशर में रहने दे तो निकल जाएगी। प्लेट भी आप देखिए पहले से बेटर दिख रही है, वाइट स्पॉट्स में काफ़ी कमी आ गई है और काफ़ी अच्छी। तो ओवरऑल इसका जो परफॉर्मेंस है जो विम बार के साथ और आप यह कहें विम लिक्विड जेल के साथ जो है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो मतलब अगर घर में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, आपके पास फिनिश की पावर बॉल्स नहीं है, या फिर कोई भी जो टैबलेट आप जिससे धोते हैं वो नहीं है, या फिर अगर आपके पास डिश वॉशर डिटर्जेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है और बर्तन धोने हैं, क्योंकि मार्केट से लाएंगे या ऑनलाइन भी ऑर्डर करेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इमीडिएट तो नहीं आ जाएगा, एक दिन का टाइम लगे। उस समय अगर बर्तन धोने हैं, सपोज घर में गेस्ट वगैरह आए हैं तो आप क्या करेंगे, तो देन दिस इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। मैंने आपको सेटिंग्स भी दिखाई कि मैंने बहुत ही मिनिमल लेवल पे वाटर सॉफ्टनेस रखी थी, का लेवल रखा था। इवन रेनाइज एट भी मैंने बहुत ही मिनिमम रखा था। आप चाहें तो उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके भी सेटिंग्स करके देख सकते हैं कि कैसे रिजल्ट आते हैं, बट मुझे ओवरऑल इसका जो रिजल्ट है काफ़ी सेटिस्फाइंग लगा कि अगर कुछ अवेलेबल नहीं है तो विम जेल से भी बर्तन हम लोग
धो सकते हैं, और ये इसके साथ काम करता है। इतनी भी मुझे कुछ प्रॉब्लम इससे बर्तनों को धोने में नज़र नहीं आई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काफ़ी काम आएगा, और ये मेरा किया गया एक्सपेरिमेंट आपको काफ़ी ज्ञान देगा बोर्ड डिश वॉशर और बाकी डिश वॉशरों के बारे में भी, कि ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि बोर्ड डिश वॉशर पर मेरी एक बहुत ही डिटेल्ड सीरीज़ है जिसका नाम है बोर्ड डिश वॉशर रिव्यू। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डालूंगा। उसमें हमने बोर्ड डिश वॉशर के बारे में सब कुछ बताया, इसका डिटेल्ड रिव्यू दिया, इसके प्रोग्राम और फंक्शंस के बारे में बताया, हमने डिले स्टार्ट के बारे में बताया, टाइमर स्टार्ट के बारे में बताया, हमने ये बताया कि बोर्ड डिश वॉशर की आप क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं, डिश वॉशर के ड्रेन फिल्टर को कैसे साफ करें। सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आपको बोर्ड डिश वॉशर के बारे में दी गई है। लगभग लगभग मेरे 11 वीडियो हैं। इस वीडियो की एंड स्क्रीन में मैं उसका लिंक भी डालूंगा, आप चाहें तो वो भी जाकर देख सकते हैं अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहना चाहते हैं बोर्ड डिशवॉशर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसे लाइक करें, शेयर करें आगे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।